नमस्ते। आज के सेशन में हम देखेंगे कि गूगल मीट कैसे अरेंज करते हैं, गूगल मीट को कैसे ज्वाइन करते हैं और गूगल मीट का शेड्यूल कैसे तैयार करते हैं लैपटॉप या पीसी पर। तो दोस्तों, पहले हम जाएंगे क्रोम पे। मैंने पहले ही बताया था कि गूगल का कौन सा भी फीचर अगर यूज़ करना है तो हमें पहले जीमेल आईडी ओपन करना है। अब गूगल मीट शुरू करते समय भी, यानी कि एंट्री करते समय भी, यहाँ लॉगिन करते समय जीमेल आईडी दे सकते हैं, लेकिन ये हमें इजी जाता है कि अगर हम जीमेल आईडी ओपन करते हैं तो उसी जीमेल आईडी से वो रन करता है। इसलिए मैंने ये जीमेल आईडी मैंने पहले ओपन करके रख दी है। मैंने दूसरे टैब में meetgoogle.com ये अगर टाइप किया तो ये गूगल मीट अपने आप यहाँ विंडोज़ आपके सामने आती है। यहाँ है न्यू मीटिंग। न्यू मीटिंग पे हम अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये तीन पर्याय उपलब्ध हो जाते हैं। गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर, स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग, यानी कि ये अगर मीटिंग की लिंक हम शेयर करते हैं और मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो इमिडिएटली हम गूगल मीट अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर दूसरे तीसरे दिन या हमें शेड्यूल बना के रखना है कि किसी और दिन हमें ये गूगल मीट रखनी है तो उसका शेड्यूल बनाकर भी हम रख सकते हैं। ये अब विंडोज़ या गूगल मीट का वर्जन कौन सा है इस पर भी निर्भर करता है कि कभी कभार ये इधर देते हैं, नहीं तो इसके ऊपर ये शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाता है। तो मेरे यहाँ यहाँ है शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। तो एक और बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि जब हमें मोबाइल पे ये मीटिंग लेनी है तो हमें ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, और दूसरा कि शेड्यूल करने के लिए गूगल कैलेंडर हमें इंस्टॉल करके मोबाइल में लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पीसी में या लैपटॉप पर हमें कौन सा भी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंटरनेट होना है, हमें ऑनलाइन ये मीटिंग हम अरेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि गेट अ मीटिंग लिंक टू शेयर पर हम अगर क्लिक करते हैं, ये हमें लिंक मिल जाती है। यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कॉपीड मीटिंग लिंक ये मैसेज अपने आप यहाँ मिल जाता है। तो इस लिंक को हम यहाँ शेयर करते हैं। अब हम जाएंगे गूगल मीट के लिए, स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग लिंक। अब ये मीटिंग शुरू होने की प्रोसेस कर लेता है। कभी कभार ये यहाँ पूछता है कि आपका वेबकैम शुरू करना है या नहीं है, तो यहाँ मैंने पहले ही इसको सिलेक्ट करके रखा था, इसलिए ये अपने आप मेरा वेबकैम यहाँ शुरू हो गया है। यहाँ ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। अगर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हैं तो अपने आप यहाँ मीटिंग अब ये शुरू हो गई है। ऐड पीपल पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हमें जो जो लोगों को ऐड करना है यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये लिंक भी है, इस लिंक को भी हम कॉपी कर सकते हैं और हम कॉपी करके यहाँ भेज सकते हैं। वही लिंक है जो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो मैंने लिंक पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पूछता है आस्क टू ज्वाइन पे हमें क्लिक करना है। जो यहाँ ज्वाइन हो रहा है वो, और जो अरेंज कर रहा है उनको यहाँ एडमिट कर लेना है। तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ जो साउंड है वो डबल आ रहा है, यहाँ स्क्रीन का भी और मेरे माइक का भी, मैं यहाँ म्यूट कर देता हूँ। तो उसके बाद में हमें क्या करना है कि अभी तो मीटिंग शुरू हो गई है, यहाँ मैं प्रेजेंट नाउ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं मेरी स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन यहाँ मैं शेयर कर सकता हूँ। ये ऐसे मेरी पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ये हमारा ऑडियो बटन, अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑडियो बंद हो जाता है, क्लिक करता हूँ डबल तो उस पर मैं फिर ऑडियो शुरू कर सकता हूँ। यह है वीडियो, अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो जाता है, अगली और मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। यहाँ है टर्न ऑन ऑप्शंस, सॉरी कैप्शंस। तो मैं
अगर जो भी मैं कुछ बोलता हूँ तो ये कैप्शन बन के यहाँ टाइप होते हुए हमें दिखाई देता है। ये अंग्रेजी बोलने के लिए या जो भी अंग्रेजी कुछ बोलते हैं तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ये दूसरी भाषाओं के लिए ये ज़्यादा बेहतरीन नहीं है या सपोर्ट नहीं करता है। और एक बात है कि जब हमारा नेटवर्क कम ज़्यादा होता है और हमारा जो भी हमारी जो कुछ भी बातें हैं वो अगर अच्छी तरह से सुन नहीं सकते, तो यहाँ अगर जो हमारा ये कैप्शंस हम अगर यूज़ करते हैं तो जो कुछ बोल रहे हुए वो हम यहाँ पढ़ के भी समझ सकते कि उनको क्या कहना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है, बस अंग्रेजी के लिए ही ये सपोर्ट करता है। कैप्शंस मैं बंद करता हूँ तो ये अपने आप बंद हो जाता है। तो यहाँ से हम हमारी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर करने के लिए मैं अगर एंटायर स्क्रीन करता हूँ या विंडो करता हूँ, तो एंटायर स्क्रीन करने के बाद पूरी स्क्रीन हमें शेयर कर सकते हैं हम। और अगर ये विंडो पे क्लिक करते हैं तो एक आध स्पेसिफिक विंडो हम शेयर कर सकते हैं और उसको हम प्रेजेंट करके पढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं इस मीट को बंद करता हूँ, अगर ये मेरी पीपीटी है तो मैं पीपीटी को यहाँ शुरू कर देता हूँ और इस पर मैं जो भी कुछ हूँ तो वो पढ़ा के मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चों को समझा सकता हूँ। और फिर गूगल मीट चालू करके यहाँ से मैं बंद भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम हमारी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। दूसरा है ये जो थ्री डॉट्स है उसमें रिपोर्ट अबोस या रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें हेल्प भी मिल जाती है। सेटिंग पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑडियो है, यहाँ कौन से एडो से यानी कि हम अगर माइक्रोफोन यूज़ करते हैं तो माइक्रोफोन यूज़ करना है, यहाँ अलग अलग ऑप्शंस है। हमें अगर स्टेरियो मिक्स का साउंड है हमारे पास या माइक हम यूज़ करते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट माइक रख सकते हैं, या फिर हमारा जो वेब कैम है तो इनबिल्ट उसमें भी हमारा माइक रहता है तो वो भी हम वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर एक से ज़्यादा कैमरे हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पे है तो कौन सा कैमरा यूज़ करना है, ये भी इसकी भी हम यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। मेरे पीसी पे एक ही वेब कैम है इसलिए ये एक ही दिखाई देगा। सेंट रेजोल्यूशन यानी कि हमें कौन से रेजोल्यूशन पे ये कैम रखना है, अगर मैंने 720 पर रख दिया तो इसकी क्वालिटी भी बढ़िया आ जाती है। रिसीव रेजोल्यूशन मैक्सिमम, ये रिसीव का बढ़िया रखना है और डन कर देना है। देखो देखो रेजोल्यूशन बदलने के बाद जो वीडियो क्वालिटी है वो वीडियो क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। यह है जनरल, इस पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ मैं डन कर देता हूँ। यहाँ जो थ्री डॉट्स है उस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारी जो सेटिंग है यानी कि स्क्रीन सेटिंग, यहाँ से हम चेंज करते हैं लेआउट। जब हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स यहाँ देखना है तो इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स या गेस्ट को हम इधर रख के हमारा ये स्क्रीन पूरा यूज़ कर सकते हैं, या कुछ बहुत सारे जो मीटिंग है यानी कि फेस टू फेस हमें कुछ बोलना है तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन पर सब के सब आ जाते हैं, या दो तीन स्लाइड्स में ये दिखाई दे देते हैं। फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, और अगर फुल स्क्रीन से बाहर आना है तो यहाँ एग्जिट फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने टर्न ऑफ कैप्शन पे किया था तो यहाँ मैं टर्न ऑफ कैप्शन कर देता हूँ। अब यहाँ दिखता है कि शो एवरीवन यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ प्रेजेंट है उनकी यहाँ लिस्ट हमें दिखाई देती है, और अगर चार्ट अगर देखना है या चैट करना है तो हेलो हमें ऐसे यहाँ से चैट भी कर सकते हैं, या दूसरों ने जो भी कुछ चैट चैट किया है तो हम उनके चैट भी दे सकते हैं, और उस पर हम लाइव या चैट पर भी हम उनके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब एक आध पार्टिसिपेंट हमें
डिस्टर्ब करता है या कभी कभार उसका गलती से माइक उसका अगर ऑन होता है और प्रेजेंटेशन में या स्क्रीन पर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हमें इतना राइट है कि उस पर हम क्लिक करके उसका माइक भी हम माइक वहाँ से हम म्यूट कर सकते हैं, यानी कि अब उनका जो वॉइस है वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर देगा। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को या किसी हमारे इम्पोर्टेंट गेस्ट को अगर हमें यहाँ ऊपर लाना है तो वहाँ ऊपर आके हमारे यहाँ वो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, यानी कि वो प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर पिन पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरे स्क्रीन पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फिर मैं स्क्रीन पे दिखाई दूँगा। इस तरह यहाँ हमें रिमूव भी कर सकते हैं, अगर किसी पार्टिसिपेंट को हमें यहाँ नहीं ज्वाइन करना है या रिमूव करना है बीच में, तो यहाँ से हम रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि गूगल मीट पे हम हमारी मीटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर वो रिकॉर्ड करनी ही है तो हमें एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी कुछ लाइव स्ट्रीमिंग की या रिकॉर्डिंग के जो सॉफ्टवेयर्स है वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके हमें ये मीटिंग यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके हमें ये मीटिंग रिकॉर्ड करनी होगी। तो उसके बाद हम देखेंगे उसका शेड्यूल कैसे करते हैं। हमें शेड्यूल बनाना है तो हमें इस गूगल कैलेंडर में जाके हमें ये शेड्यूल बनाना है। तो पहले हम शेड्यूल कैसे बनाते हैं ये पहले देख लेंगे। तो शेड्यूल इन गूगल मीटिंग पे हमें या गूगल कैलेंडर पे क्लिक करना है। तो ये जो गूगल कैलेंडर है वो अपने सामने खुल जाएगा। गॉट इट करना है क्योंकि पहली बार हमें ये खोला है तो हमें ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद में हमें ये योर इवेंट नाउ इंक्लूड फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो हमें इसे गॉट इट करना है। उसके बाद में ये हमें मीटिंग का टाइटल यहाँ देना है, दे वर्कशॉप, वन डे ऑनलाइन वर्कशॉप। यहाँ देना हमें डेट, यहाँ हमें टाइम देना है, यहाँ 4 PM देंगे, 5:30 PM 28 जुलाई डेट है, टाइम जोन है यहाँ इंडिया। ओके, सेव। अब हमें देखना है ये देखो, ये 28 तारीख को 4 PM से लेके 5:30 PM तक हमारे यहाँ शेड्यूल बन चुका है। ये अगर हमें एडिट करना है तो इसको हम डबल क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। ये जब हमें नोटिफिकेशन देना है तो यहाँ हमें नोटिफिकेशन भी मिलता है, ये कब और कहाँ से, ईमेल से हमें ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब कब देना है तो आवर्स में, फ्रीक्वेंट
15 मिनट्स पहले हमें यह मिलेगा। अट्ठाईस तारीख को 15 मिनट से पहले हमें वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये हमारा जीमेल आईडी है, यहाँ हम विजिबिलिटी भी यहाँ कर सकते हैं, पब्लिक या प्राइवेट या फिर डिफॉल्ट विजिबिलिटी, ये भी हम रख सकते हैं। तो इसको हम बाद में सेव करना है, सेव। अब इस शेड्यूल पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें एक आइकॉन दिखाई देता है कॉपी का, तो इस आइकॉन पर हम जब क्लिक करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली यहाँ ये कॉपी करेगा और वो लिंक हम अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम या ईमेल से हम हर किसी को भेज सकते हैं। इसका भी हम एक छोटा सा डेमो देखेंगे। नेट थोड़ा सा स्लो है, पेस्ट करना है। ये हम भेज दिया, इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो वो मीटिंग पर ज्वाइन हो सकते हैं। हमारी मीटिंग यहाँ हमने शुरू नहीं की इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो सकते। तो हमने अभी जान लिया है कि कैसे गूगल मीट का शेड्यूल क्रिएट करते हैं और अदर लोगों को कैसे वो लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।